नमस्कार, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सुनो कहानी की नई पेशकश, गुनाहों का देवता। तो चलिए सुनते हैं गुनाहों का देवता का पहला भाग। अगर पुराने जमाने की नगर देवता की और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बंधाए नियम नहीं, कहीं कोई कसाव नहीं, हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव, एक बिखरी हुई सी अनियमितता। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से चौड़ी सड़कें, यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइंस और दलदलों की गंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। मौसम में भी कहीं कोई सम नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबह मलियाजी, दोपहरे अंगारी, तो शाम रेशमी। धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले, मालवा की तरह हरे भरे खेत भी मिले और ऊसर और परती की भी कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार है, जिसके सृजन में हर रंग के डोर हैं। और चाहे जो हो, नगर इधर क्वार कार्तिक तथा उधर वसंत के बाद और होली के बीच के मौसम से इलाहाबाद का वातावरण नेस्टर्शियम और पेंजी के फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत और आम के बेरों की खुशबू से भी ज्यादा महकदार होता है। सिविल लाइन्स हो या अल्फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या खुसरो बाग, लगता है कि हवा एक नटखट दोशीजा की तरह कलियों के आंचल और लहरों के मिजाज से छेड़खानी करती चलती है। और अगर आप सर्दी से बहुत नहीं डरते तो आप जरा एक ओवर कोट डालकर सुबह सुबह घूमने निकल जाएं तो इन खुली हुई जगहों की फिजा इठलाकर आपको अपने जादू में बांध लेगी। खास तौर से पांव फटने के पहले तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी। वसंत के नए नए मौसमी फूलों के रंग से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहली बाल सूर्य की उंगलियां सुबह की राजकुमारी की गुलाबी वक्ष पर बिखरे हुए भौराले गेंसुओं को धीरे धीरे हटाती जाती है और क्षितिज पर सुनहली तरुणाई बिखर पड़ती है। एक ऐसी ही खुशनुमा सुबह थी और जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूं वह सुबह से भी ज्यादा मासूम युवक प्रभाती गाकर फूलों को जगाने वाले देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के लॉन पर फूलों की सरजमी के किनारे किनारे घूम रहा था। कत्थई स्वीट पी के रंग का पश्मीने का लंबा कोट, जिसका एक कॉलर उठा हुआ था और दूसरे कॉलर में सरों की एक पत्ती बटन होल में लगी हुई थी, सफेद मक्खन जीन का पतला पैंट और पैरों में सफेद जरी की पेशावरी सैंडले, भरा हुआ गोरा चेहरा और ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई एक रूखी भूरी लटा। चलते चलते उसने एक रंग बिरंगी गुच्छा इकट्ठा कर लिया था और रह रहकर वह उसे सूंघ लेता। पूरब के आसमान की गुलाबी पंखुड़ियां बिखरने लगी थी, सुनहले पराग की एक बौछार सुबह के ताजे फूलों पर बिछ रही थी। अरे, सुबह हो गई, उसने चौंक कर कहा और पास की एक बेंच पर बैठ गया। सामने से एक माली आ रहा था। क्यों जी, लाइब्रेरी खुल गई? अभी नहीं बाबूजी, उसने जवाब दिया। वह फिर संतोष से बैठ गया और फूलों की पंखुड़ियां नोच कर नीचे फेंकने लगा। जमीन पर बिछाने वाली सोने की चादर परतों पर परतें बिछाती जा रही थी और पेड़ों की छायाओं का रंग गहराने लगा था। उसकी बेंच के नीचे फूलों की चुनी हुई पत्तियां बिखरी हुई थी और अब उसके पास सिर्फ एक फूल बाकी रह गया था। हल्के फालसाई रंग के उस फूल पर गहरे बैंजनी डोरे थे। हेलो कपूर, सहसा किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर कहा। यहाँ क्या झगमरा रहे हो सुबह सुबह? उसने मुड़कर पीछे देखा। अरे आओ ठाकुर साहब,
आओ बैठो यार, लाइब्रेरी खुलने का इंतजार कर रहा हूं। क्यों, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चाट डाली? अब इसे तो शरीफ लोगों के लिए छोड़ दो। शरीफ लोगों के लिए ही छोड़ रहा हूं। डॉक्टर शुक्ला की लड़की है ना, वह इसकी मेंबर बनना चाहती थी तो मुझे आना पड़ा। उसी का इंतजार भी कर रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में है ना? नहीं, गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल ब्यूरो में। और तुम पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रहे हो? नहीं, इकोनॉमिक्स में। बहुत अच्छे, तो उनकी लड़की को सदस्य बनवाने आए हो? कुछ अजब स्वर में ठाकुर ने कहा। छी, कपूर ने हंसते हुए कुछ अपने को बचाते हुए कहा, यार तुम जानते हो कि मेरा उनसे कितना घरेलू संबंध है। जब से मैं प्रयाग में हूँ उन्हीं के सहारे हूँ, और आजकल तो उन्हीं के यहाँ पढ़ता लिखता भी हूँ। ठाकुर साहब हंस पड़े। अरे भाई, मैं डॉक्टर शुक्ला को जानता नहीं क्या? उनका सा भला आदमी मिलना मुश्किल है, तुम सफाई व्यर्थ में दे रहे हो। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के उन विद्यार्थियों में से थे जो बराए नाम विद्यार्थी होते हैं, और कब तक वे यूनिवर्सिटी को सुशोभित करते रहेंगे इसका कोई निश्चय नहीं। एक अच्छे खासे रुपए वाले व्यक्ति थे और घर के ताल्लुकेदार, हसमुख, फप्तियां कसने में मजा लेने वाले, मगर दिल के साफ, निगाह के सच्चे। वे बोले, एक बात तो मैं स्वीकार करता हूं कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉक्टर शुक्ला को है। तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा भेजते नहीं? नहीं, उनसे अलग ही होकर आया था। समझ लो कि इन्होंने किसी न किसी बहाने मदद की है। अच्छा आओ, तब तक लोटस पॉन्ड ही घूम ले, फिर तुम्हारी लाइब्रेरी भी खुल जाएगी। दोनों उठकर एक कृत्रिम कमल सरोवर की ओर चल दिए जो पास ही में बना हुआ था। सीढ़ियां चढ़कर ही उन्होंने देखा कि एक सज्जन किनारे बैठे कमलों की ओर एक टक देखते हुए ध्यान में तल्लीन है। दुबले पतले छिपकली से बालों की एक लट माथे पर झूमती हुई। कोई प्रेमी है या कोई फिलासफर देखा ठाकुर? नहीं यार, दोनों से निकृष्ट कोटि के जीव हैं, ये कवि हैं। मैं इन्हें जानता हूं, ये रविंद्र बसरिया हैं। एमए में पढ़ता है, आओ मिलाए तुम्हें। ठाकुर साहब ने एक बड़ा सा घास का तिनका तोड़कर पीछे से चुपके से जाकर उसकी गर्दन गुदगुदाई। बिसरिया चौंक उठा, पीछे मुड़कर देखा और बिगड़ गया। यह क्या बदतमीजी है ठाकुर साहब, मैं कितने गंभीर विचार में डूबा था। और सहसा बड़े विचित्र स्वर में आंखें बंद कर बिसरिया बोला, आह कैसा मनोरम प्रभात है, मेरी आत्मा में घोर अनुभूति हो रही थी। कपूर बिसरिया की मुद्रा पर ठाकुर साहब की ओर देखकर मुस्कुराया और इशारे में बोला, है यार शगल की चीज, छेड़ो जरा। ठाकुर साहब ने तिनका फेंक दिया और बोले, माफ करना भाई बिसरिया, बात यह है कि हम लोग कवि तो है नहीं, इसलिए समझ नहीं पाते। वैसे क्या सोच रहे थे तुम? बिसरिया ने आंखें खोली और एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं सोच रहा था कि आखिर प्रेम क्या होता है, क्यों होता है, कविता क्यों लिखी जाती है, फिर कविता के संग्रह उतने क्यों नहीं बिकते जितने उपन्यास या कहानी संग्रह। बात तो गंभीर है, कपूर बोला। जहां तक मैंने समझा और पढ़ा है, प्रेम एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी, जो मौसम बदलने के दिनों में होती है, मसलन कुंवर कार्तिक या फागुन चैत। उसका संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है, और कविता एक तरह का सन्निपात होता है। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं ना मिस्टर सिबरिया? सिबरिया नहीं, बिसरिया, ठाकुर साहब ने टोका। बिसरिया ने कुछ उजलत, कुछ परेशानी और कुछ गुस्से से उनकी ओर देखा और बोला, क्षमा कीजिएगा, आप या तो फ्रायडवादी हैं या प्रगतिवादी, और आपके विचार सर्वदा विदेशी हैं। मैं इस तरह के विचारों से घृणा करता हूं।
कपूर कुछ जवाब देने ही वाला था कि ठाकुर साहब बोले, अरे भाई बेकार उलझ गए तुम लोग, पहले परिचय तो कर लो आपस में। ये हैं श्री चंद्र कुमार कपूर, विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं, और आप हैं श्री रविंद्र बिसरिया, इस वर्ष एमए में बैठ रहे हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। कपूर ने हाथ मिलाया और फिर गंभीरता से बोला, क्यों साहब, आपको दुनिया में कोई और काम नहीं मिला जो आप कविता करते हैं? बिसरिया ने ठाकुर साहब की ओर देखा और बोला, ठाकुर साहब यह मेरा अपमान है, मैं इस तरह के सवालों का आदि नहीं हूं, और उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो बैठो, ठाकुर साहब ने हाथ खींचकर बिठा लिया। देखो कपूर का मतलब तुम समझे नहीं, उसका कहना यह है कि तुम में इतनी प्रतिभा है कि लोग तुम्हारी प्रतिभा का आदर नहीं करना जानते, इसलिए उन्होंने सहानुभूति में तुमसे कहा कि तुम और कोई काम क्यों नहीं करते, वरना कपूर साहब तुम्हारी कविता के बहुत शौकीन हैं, मुझसे बराबर तारीफ करते हैं। बिसरिया पिघल गया और बोला, क्षमा कीजिएगा, मैंने गलत समझा, अब मेरा कविता संग्रह छप रहा है, मैं आपको अवश्य भेंट करूंगा। और फिर बिसरिया ठाकुर साहब की ओर मुड़कर बोला, अब लोग मेरी कविताओं की इतनी मांग करते हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ, अभी कल त्रिवेणी के संपादक मिले, कहने लगे अपना चित्र दे दो, मैंने कहा कि कोई चित्र नहीं है तो पीछे पड़ गए, आखिरकार मैंने आइडेंटिटी कार्ड उठाकर दे दिया। वाह, कपूर बोला, मान गए आपको हम, तो आप राष्ट्रीय कविताएं लिखते हैं या प्रेम की? जब जैसा अवसर हो, ठाकुर साहब ने जड़ दिया। वैसे तो यह वार फ्रंट का कवि सम्मेलन, शराबबंदी कॉन्फ्रेंस का कवि सम्मेलन, शादी ब्याह का कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन का कवि सम्मेलन, सभी जगह बुलाए जाते हैं, बड़ा यश है इनका। बिसरिया ने प्रशंसा से मुग्ध होकर देखा, मगर फिर एक गर्व का भाव मुंह पर लाकर गंभीर हो गया। कपूर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो कुछ हम लोगों को भी सुनाइए ना। अभी तो मूड नहीं है, बिसरिया बोला। ठाकुर साहब बिसरिया को पिछले 5 साल से जानते थे, वह अच्छी तरह जानते थे कि बिसरिया किस समय और कैसे कविता सुनाता है, अतः बोले, ऐसे नहीं कपूर, आज शाम को आओ, ज़रा गंगा जी चलें, कुछ बोटिंग रहे, कुछ खाना पीना रहे, तब कविता भी सुनना। कपूर को बोटिंग का बेहद शौक था, फौरन राजी हो गया और शाम का विस्तृत कार्यक्रम बन गया। इतने में एक कार उधर से लाइब्रेरी की ओर गुजरी, कपूर ने देखा और बोला, अच्छा ठाकुर साहब मुझे तो इजाज़त दीजिए, अब चलूं लाइब्रेरी में, वो लोग आ गए। आप कहाँ चल रहे हैं? मैं ज़रा जिम खाने की ओर जा रहा हूँ। अच्छा भाई, तो शाम को पक्की रही? बिल्कुल पक्की, कपूर बोला और चल दिया। लाइब्रेरी के पॉर्टिको में कार रुकी थी और उसके अंदर ही डॉक्टर साहब की लड़की बैठी थी। क्यों सुधा, अंदर क्यों बैठी हो? तुम्हें ही देख रही थी चंदर। और वह उतर आई, दुबली पतली नाटी सी साधारण सी लड़की, बहुत सुंदर नहीं, केवल सुंदर, लेकिन बातचीत में बहुत दुलारी। चलो अंदर चलो, चंदर ने कहा। वह आगे बढ़ी, फिर ठिठक गई और बोली, चंदर एक आदमी को 4 किताबें मिलती हैं? हाँ, क्यों? तो उसने बड़े भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ और 2 किताबें हमें दे दिया करो, बस ज्यादा का हम क्या करेंगे? नहीं, चंदर हंसा, तुम्हारा तो दिमाग खराब है, खुद क्यों नहीं बनती मेंबर? नहीं, हमें शर्म लगती है, तुम बन जाओ मेंबर हमारी जगह पर। पगली कहीं की, चंदर ने उसका कंधा पकड़कर आगे ले चलते हुए कहा, वाह रे शर्म, अभी कल ब्याह होगा तो कहना हमारी जगह तुम बैठ जाओ चंदर, कॉलेज में पहुंच गई लड़की, अभी शर्म नहीं छूटती इसकी, चल अंदर। और वह हिचकती छिटकती झेपती और मुड़ मुड़ कर चंदर की ओर रूठी हुई निगाहों से देखते हुए अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद सुधा 4 किताबें लादे हुए निकली। कपूर ने कहा, लाओ मैं ले लूं, तो बांस की पतली टहनी की तरह लहरा कर बोली, सदस्य मैं हूं, तुम्हें क्यों दूं किताबें?
और जाकर कार के अंदर किताबें पटक दी। फिर बोली, आओ बैठो चंदर, मैं अब घर जाऊंगा। यह देखो, और उसने भीतर से कागज का एक बंडल निकाला और बोली, देखो यह पापा ने तुम्हारे लिए दिया है। लखनऊ में कॉन्फ्रेंस है ना, वहीं पढ़ने के लिए यह निबंध लिखा है उन्होंने। शाम तक यह टाइप हो जाना चाहिए। जहां संख्याएं हैं वहां खुद आपको बैठकर बोलना होगा, समझे जनाब? उसने बिल्कुल अलहड़ बच्चों की तरह गर्दन हिलाकर शोक स्वरों में कहा। कपूर ने बंडल ले लिया और कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन डॉक्टर साहब का हस्तलेख इतने प्रश्न, शाम तक कौन टाइप कर देगा? इसका भी इंतजाम है। और अपने ब्लाउज में से एक पत्र निकालकर चंद्र के हाथ में देते हुए बोली, यह कोई पापा की पुरानी ईसाई छात्रा है, टाइपिस्ट है, इसके घर मैं तुम्हें पहुंचाई देती हूँ। मुखर्जी रोड पर रहती है ये, उसी के यहाँ टाइप करवा लेना और यह खत उसे दे देना। लेकिन अभी मैंने चाय नहीं पी। समझ गए, अब तुम सोच रहे होगे कि इसी बहाने सुधा तुम्हें चाय भी पिला देगी। सो मेरा काम नहीं है जो मैं चाय पिलाऊं, पापा का काम है ये। चलो आओ। चंदर जाकर भीतर बैठ गया और किताबें उठाकर देखने लगा। अरे, चारों कविता की किताबें उठा लाई, समझ में आएंगी तुम्हारे? क्यों सुधा? नहीं, चिढ़ाते हुए सुधा बोली, तुम कहो, तुम्हें समझा दें। इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले क्या जाने साहित्य। अरे मुखर्जी रोड पर ले चलो ड्राइवर, चंद्र बोला। इधर कहाँ चल रहे हो? नहीं, पहले घर चलो, सुधा बोली, चाय पी लो तब जाना। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, चंद्र बोला। चाय नहीं पीऊंगा, वाह, सुधा की हंसी में दूधिया बचपन छलक उठा। मुंह तो सूख कर गोभी हो रहा है, चाय नहीं पियेंगे। बंगला आया तो सुधा ने महाराजिन से चाय बनाने के लिए कहा और चंदर को स्टडी रूम में बिठाकर प्याले निकालने के लिए चल दी। वैसे तो यह घर या परिवार चंद्र कपूर का अपना हो चुका था जब से वह अपनी माँ से झगड़कर प्रयाग भाग आया था पढ़ने के लिए। यहाँ आकर बीए में भर्ती हुआ था और कम खर्च के ख्याल से चौक में एक कमरा लेकर रहता था। तभी डॉक्टर शुक्ला उसके सीनियर टीचर थे और उसकी परिस्थितियों से अवगत थे। चंद्र की अंग्रेजी बहुत ही अच्छी थी और डॉक्टर शुक्ला उसके अक्सर छोटे छोटे लेख लिखवाकर पत्रिकाओं में भिजवाते थे। उन्होंने कई पत्रों के आर्थिक स्तंभ का काम चंद्र को दिलवा दिया था। उसके बाद चंद्र के लिए डॉक्टर शुक्ला का स्थान अपने संरक्षक और पिता से भी ज्यादा हो गया था। चंद्र शर्मीला लड़का था, बेहद शर्मीला। कभी उसने यूनिवर्सिटी के वजीफे के लिए भी कोशिश नहीं की थी, लेकिन जब बीए में वह सारी यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम आया तो स्वयं इकोनॉमिक्स विभाग ने उसे यूनिवर्सिटी के आर्थिक प्रकाशनों का वैतनिक संपादक बना दिया। एमए में भी वह सर्वप्रथम आया और उसके बाद उसने रिसर्च ले ली। उसके बाद डॉक्टर शुक्ला यूनिवर्सिटी से हटकर ब्यूरो में चले गए थे। अगर सच पूछा जाए तो उसके सारे कैरियर का श्रेय डॉक्टर शुक्ला को था, जिन्होंने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसको अपने लड़के से बढ़कर माना। अपनी सारी मदद के बावजूद डॉक्टर शुक्ला ने उससे इतना अपनापन बनाए रखा कि कैसे धीरे धीरे चंद्र सारी गैरियत खो बैठा यह उसे खुद नहीं मालूम। यह बंगला, इसके कमरे, इसके लॉन, इसकी किताबें, इसके निवासी, सभी कुछ जैसे उसके अपने थे और सभी का उससे जाने कितने जन्मों का संबंध था। और यह नन्ही दुबली पतली रंगीन चंद्र किरण सी सुधा, जब आज से वर्षों पहले यह सातवीं पास करके अपनी बुआ के पास से यहाँ आई थी, तब से लेकर आज तक कैसे वह भी चंद्र की अपनी होती गई थी, इसे चंद्र खुद नहीं जानता था। जब वह आई थी तब वह बहुत शर्मीली थी, बहुत भोली थी। आठवीं में पढ़ने के बावजूद वह खाना खाते वक्त रोती थी, मचलती थी तो अपनी कॉपी फाड़ डालती थी, और जब तक डॉक्टर साहब उसे गोद में बिठाकर नहीं मनाते थे वह स्कूल नहीं जाती थी। 3 बरस की अवस्था में ही उसकी माँ चल बसी थी और 10 साल तक वह अपनी बुआ के पास एक गांव में रही थी।
अब 13 वर्ष के होने पर गांव वालों ने उसकी शादी पर जोर देना और शादी न होने पर गांव की औरतों ने हाथ नचाना और मुंह मटकाना शुरू किया तो डॉक्टर साहब ने उसे इलाहाबाद बुलाकर 8वें में भर्ती करा दिया। जब वह आई थी तो आधी जंगली थी। तरकारी में घी कम होने पर वह महराजिन का चौका जूठा कर देती थी और रात में फूल तोड़कर न लाने पर अक्सर उसने माली को दांत भी काट खाया था। चंदर से जरूर वह बेहद डरती थी, पर न जाने क्यों चंदर भी उससे नहीं बोलता था। लेकिन जब 2 साल तक उसके यह उपद्रव जारी रहे और अक्सर डॉक्टर साहब गुस्से के मारे उसे न साथ खिलाते और न उससे बोलते थे, तो वह रो रोकर और सिर पटक पटक कर अपनी जान आधी कर देती थी। तब अक्सर चंदर ने पिता और पुत्री का समझौता कराया था, अक्सर सुधा को डांटा था, समझाया था, और सुधा घर भर से अलहड़ पुरवाई और विद्रोही झोंके की तरह तोड़ फोड़ मचाती रहने वाली सुधा चंदर की आंख के इशारे पर सुबह की नसीम की तरह शांत हो जाती थी। कब और क्यों उसने चंदर के इशारों का यह मौन अनुशासन स्वीकार कर लिया था यह उसे खुद नहीं मालूम था। और यह सभी कुछ इतने स्वाभाविक ढंग से, इतने अपने आप होता गया कि दोनों में से कोई भी इस प्रक्रिया से वाकिफ नहीं था, कोई भी इसके प्रति जागरूक न था। दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार और आकर्षण इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी। और मजा तो यह था कि चंदर की शक्ल देखकर छिप जाने वाली सुधा इतनी ढीठ हो गई थी कि उसका सारा विद्रोह, सारी झुंझलाहट, मिजाज की सारी तेजी, सारा तीखापन और सारा लड़ाई झगड़ा सभी की तरफ से हटकर चंदर की ओर केंद्रित हो गया था। वह विद्रोहिणी अब शांत हो गई थी, इतनी शांत, इतनी सुशील और इतनी विनम्र, इतनी मिष्ट भाषणी कि सभी को देखकर ताज्जुब होता था। लेकिन चंदर को देखकर जैसे उसका बचपन फिर लौट आता था। और जब तक वह चंदर को खिजाकर छेड़कर लड़ नहीं लेती थी, उसे चैन नहीं पड़ता था। अक्सर दोनों में अनबोला रहता था, लेकिन जब 2 दिन तक दोनों मुंह फुलाए रहते तो डॉक्टर साहब के लौटने पर सुधा उत्साह से उनको ब्यूरो का हाल नहीं पूछती थी और खाते वक्त दुलार नहीं दिखाती थी, तो डॉक्टर साहब फौरन पूछते थे, क्या चंदर से लड़ाई हो गई है क्या? फिर वह मुंह फुलाकर शिकायत करती थी, और शिकायतें भी क्या क्या होती थी। चंदर ने उसकी हेड मिस्ट्रेस का नाम एलिफेंटा श्रीमती हथनी रखा है, या चंदर ने उसको डिबेट के भाषण के पॉइंट नहीं बताए, या चंदर कहता है कि सुधा की सखियां कोयला बेचती हैं, और जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि वह चंदर को डांट देंगे तो वह खुशी से फूल उठती और चंदर के आने पर आंखें नचाती हुई चिढ़ाती थी, कहो कैसी डांट पड़ी। वैसे सुधा अपने घर की पुरखिन थी, किस मौसम में कौन सी तरकारी पापा को माफिक पड़ती है, बाजार में चीजों का क्या भाव है, नौकर चोरी तो नहीं करता, पापा कितनी सोसाइटियों के मेंबर हैं, चंदर के इकोनॉमिक्स के कोर्स में क्या है, वह सभी उसे मालूम था। मोटर या बिजली बिगड़ जाने पर वह थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी कर लेती थी, और मातृत्व का अंश तो उसमें इतना था कि हर नौकर और नौकरानी उससे अपना सुख दुख कह देते थे। पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा कामकाज करते हुए उसका स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ गया था, और अपनी उम्र के हिसाब से कुछ अधिक शांत, संयत, गंभीर और बुजुर्ग थी। मगर अपने पापा और चंदर, इन दोनों के सामने हमेशा उसका बचपन इठलाने लगता था। दोनों के सामने उसका हृदय उन्मुक्त था और स्नेह बाधाहीन। लेकिन हाँ, एक बात थी, उसे जितना स्नेह और स्नेह भरी फटकारे और स्वास्थ्य के प्रति चिंता अपने पापा से मिलती थी, वैसा बड़े निस्वार्थ भाव से वह चंदर को दे डालती थी। खाने पीने की जितनी परवाह उसके पापा उसकी रखते थे, न खाने पर या कम खाने पर उसे जितने दुलार से फटकारते थे, उतना ही ख्याल वह चंदर का रखती थी।
स्वास्थ्य के लिए जो उपदेश उसे पापा से मिलते थे उसे और भी स्नेह में पाक कर वह चंदर को दे डालती थी। चंदर कई बजे खाना खाते हैं, यहाँ से जाकर घर पर कितनी देर पड़ता है, रात को सोते वक्त दूध पीता है या नहीं, इन सब का लेखा जोखा उसे सुधा को देना पड़ता। और जब कभी उसके खाने पीने में कोई कमी रह जाती तो उसे सुधा की डांट खानी ही पड़ती थी। पापा के लिए सुधा अभी बच्ची थी और स्वास्थ्य के मामले में सुधा के लिए चंदर अभी बच्चा था। कभी कभी तो सुधा की स्वास्थ्य चिंता इतनी ज्यादा हो जाती कि चंदर बेचारा जो खुद तंदुरुस्त था घबरा उठता था। एक बार सुधा ने कमाल कर दिया, उसकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने उसे लड़कियों का एक टॉनिक पीने के लिए बताया। इम्तिहान में जब चंदर कुछ दुबला सा हो गया तो सुधा अपनी बची हुई दवा ले आई और लगी चंदर से जिद करने कि पियो इसे। जब चंदर ने किसी अखबार में उसका विज्ञापन दिखाकर बताया कि वह लड़कियों के लिए है, तब जाकर कहीं उसकी जान बची। इसलिए जब आज सुधा ने चाय के लिए कहा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि जब कभी सुधा चाय बनाती थी तो प्याले के मुंह तक दूध भरकर उसमें 2-3 चम्मच चाय का पानी डाल देती थी, और अगर उसने ज़्यादा स्ट्रांग चाय की मांग की तो उसे खालिस दूध पीना पड़ता था, और चाय के साथ फल और मेवा और खुदा जाने क्या क्या। और उसके बाद सुधा का इसरार, न खाने पर सुधा का गुस्सा, उसके बाद की लंबी चौड़ी मनुहार, इस सबसे चंदर बहुत घबराता था। लेकिन जब सुधा उसे स्टडी रूम में बिठाकर जल्दी से चाय बना लाई तो उसे मजबूर होना पड़ा। बैठे बैठे निहायत बेबसी से उसने देखा कि सुधा ने प्याले में दूध डाला और उसके बाद थोड़ी सी चाय डाल दी। इसके बाद अपने प्याले में चाय डालकर और 2 चम्मच दूध डालकर आप ठाट से पीने लगी। बेतकल्लुफी से दूधिया चाय का प्याला चंदर के सामने खिसका कर बोली, पीजिए, नाश्ता आ रहा है। चंदर ने प्याले को अपने सामने रखा और उसे चारों तरफ घुमाकर देखता रहा कि किस तरफ से उसे चाय का अंश मिल सकता है। जब सभी ओर से प्याले में क्षीर सागर नजर आया तो उसने हार कर प्याला रख दिया। क्यों पीते क्यों नहीं, सुधा ने अपना प्याला रख दिया। पिए क्या, कहीं चाय भी हो, और क्या खालिस चाय पीजिएगा, दिमागी काम करने वालों को ऐसी ही चाय पीनी चाहिए। तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं चाय छोड़ूं या रिसर्च, न ऐसी चाय मुझे पसंद न ऐसा दिमागी काम। लो, आपको विश्वास नहीं होता, मेरी क्लास फेलो है गेजू काजमी, सबसे तेज लड़की है, उसकी अम्मी उसे दूध में चाय उबाल कर देती हैं। क्या नाम है तुम्हारी सखी का? गेसू, बड़ा अच्छा नाम है। और क्या, मेरी सबसे घनिष्ठ मित्र है और उतनी ही अच्छी है जितना अच्छा नाम। जरूर जरूर, मुंह बिचकाते हुए चंदर ने कहा, और उतनी ही काली होगी जितनी काले गेसू। रत, शर्म नहीं आती किसी लड़की के लिए ऐसा कहते हुए, और हमारे दोस्त की बुराई करती हो तब? तब क्या, वे तो सब हैं ही बुरे। अच्छा लो नाश्ता, पहले फल खाओ। और वह प्लेट में छील छील कर संतरा रखने लगी। इतने में ज्यों ही वह झुककर एक गिरे हुए संतरे को नीचे से उठाने लगी कि चंदर ने झट से उसका प्याला अपने सामने रख लिया और अपना प्याला उधर रख दिया और शांत चित्त से पीने लगा। संतरे की फांकी उसकी ओर बढ़ाते हुए ज्यों ही उसने एक घूंट चाय ली तो वह चौंक कर बोली, अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने उसमें दूध डाल दिया। तुम्हें दिमागी काम बहुत रहता है, चंदर ने ठाट से चाय घूटते हुए कहा। सुधा कुढ़ गई पर कुछ बोली नहीं। चाय खत्म करके चंदर ने घड़ी देखी। अच्छा लाओ, क्या टाइप कराना है, बहुत देर हो रही है। बस यहां तो 1 मिनट बैठना बुरा लगता है आपको। हम कहते हैं कि नाश्ता और खाने के वक्त आदमी को जल्दी नहीं करनी चाहिए, बैठिए ना। अरे तो तुम्हें कॉलेज की तैयारी नहीं करनी है? करनी क्यों नहीं है, आज तो गेसू को मोटर पर लेते हुए तब जाना है। तुम्हारी गेसू और कभी मोटर पर चढ़ी है?
जी वह साबिर हुसैन काजमी की लड़की है, उसके यहाँ दो मोटर हैं और रोज तो उसके यहाँ दावतें होती रहती हैं। अच्छा, हमारी तो दावत कभी नहीं की। हाँ, गेसू के यहाँ दावत खाएंगे। इसी मुँह से जनाब, उसकी शादी भी तय हो गई है, अगले जाड़ों तक शायद हो भी जाए। छी, बड़ी खराब लड़की है, कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? सुधा ने मजाक में पराजित कर बहुत विजय भरी मुस्कान से उसकी ओर देखा। चंद्र ने झेप कर निगाह नीची कर ली तो सुधा पास आकर चंद्र का कंधा पकड़कर बोली, अरे उदास हो गए? नहीं भैया, तुम्हारा भी ब्याह तय कराएंगे, घबराते क्यों हो? और एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब उठाकर बोली, लो इस मोटकी से ब्याह करोगे? लो बातचीत कर लो, तब तक मैं वह निबंध ले आऊं जो टाइप करने वाला है। चंद्र ने खिसियाकर बड़ी जोर से सुधा का हाथ दबा दिया। हाय रे, सुधा ने हाथ छुड़ाकर मुंह बनाते हुए कहा, लो बाबा हम जा रहे हैं, काहे बिगड़ रहे हैं आप? और वह चली गई। डॉक्टर साहब का लिखा हुआ निबंध उठा लाई और बोली, लो यह निबंध की पांडुलिपि है। उसके बाद चंद्र की ओर बड़े दुलार से देखते हुए बोली, शाम को आओगे ना? अच्छा, हम परेशान नहीं करेंगे, तुम चुपचाप पढ़ना, जब रात को पापा आ जाएं तो उन्हें निबंध की प्रतिलिपि देकर चले जाना। नहीं, आज शाम को मेरी दावत है ठाकुर साहब के यहाँ, तो उसके बाद आ जाना। और देखो अब फरवरी आ गई है, मास्टर ढूंढ दो हमें। नहीं, ये सब झूठी बात है, हम कल सुबह आएंगे। अच्छा, तो सुबह जल्दी आना, और देखो मास्टर लाना मत भूलना, ड्राइवर तुम्हें मुखर्जी रोड पर पहुंचा देगा। वह कार में बैठ गया और कार स्टार्ट हो गई कि फिर सुधा ने पुकारा। सुधा बोली, लो यह लिफाफा तो भूल ही गए थे, यह पापा ने लिख दिया है, उसे दे देना। अच्छा, कहकर फिर चंद्र चला कि फिर सुधा ने पुकारा, सुनो एक बार में क्यों नहीं कह देती सब? चंद्र ने झल्ला कर कहा, अरे बड़ी गंभीर बात है, देखो वहां कुछ ऐसी वैसी बात मत कहना लड़की से, वरना उसके यहां दो बड़े बड़े बुलडॉग हैं। कहकर उसने गाल फुलाकर आंख फैलाकर ऐसी बुलडॉग की भंगिमा बनाई कि चंद्र हंस पड़ा। सुधा भी हंस पड़ी। ऐसी थी सुधा और ऐसा था चंद्र।